This lecture is based on chapter Principle of Inheritance and Variation, chapter 5 of class 12. Now before starting with the chapter, we need to know certain terminologies. Hame kuch important terms pata hone chahiye so that we can have a better understanding of the chapter. So this chapter basically revolves around genetics. Ye chapter genetics mein deal karta hai. Now genetics is that branch of biology that deals with inheritance and variation of characters. Genetics बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में डील करती है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये चैप्टर जेनेटिक्स से रिलेटेड है एंड जेनेटिक्स इज अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, देन वी नीड टू नो दीज टू टर्म्स कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक्चुअली व्हाट दे आर. सो इनहेरिटेंस इज व्हाट? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी. वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी कैरेक्टर पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जेनरेशन में ट्रांसफर होता है, दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट टू द चाइल्ड, दैट इज नोन एज इनहेरिटेंस. ये इनहेरिटेंस का प्रोसेस होता है. सपोज देर इज अ फिजिकल फीचर इन योर फादर एंड यू हैव इनहेरिटेड द सेम, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस एंड दिस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. नाउ टॉकिंग अबाउट वेरिएशन, वेरिएशन क्या होता है? सपोज वी आर सिमिलर टू आवर पेरेंट्स, वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स, बट स्टिल वी हैव सम डिफरेंसेस, वी हैव सम डिफरेंस. सो दैट डिफरेंस इज वेरिएशन. द डिग्री बाय विच अ प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, हम रिजेंबल करते हैं, बट देन टू देर इज सम डिफरेंस बिटवीन अस. तो वो जो डिफरेंस है उसे हम वेरिएशन बोलते हैं. द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, दैट इज नोन एज वेरिएशन. एंड वेरिएशन बेसिकली क्यों आता है? वेरिएशन अकर्स ड्यू टू द एरर इन डीएनए कॉपिंग. डीएनए की कॉपिंग होती है फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अदर जेनरेशन. नाउ ये जो कॉपिंग हो रही है, अगर ये एग्जैक्टली एक्यूरेट कॉपिंग होती है तो वील बिकम क्लोन्स, हम एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे. सो इस डीएनए कॉपिंग में एरर होता है, इसी वजह से हम में और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, एंड दैट इज नोन एज वेरिएशन. सो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड इट टेक्स प्लेस बेसिकली ड्यू टू द एरर इन डीएनए कॉपिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट जीन, जीन क्या होता है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड दिस इज द यूनिट दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अदर जेनरेशन. एंड यही वो यूनिट है, यही डिटरमाइन करता है किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन. कोई भी कैरेक्टर चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, इफ एनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर इज बींग एक्सप्रेस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ जीन. जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म. सो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इट इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन जेनरेशन टू द अदर जेनरेशन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म. नाउ टॉकिंग अबाउट एलील्स, सपोज किसी कैरेक्टर के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल है. नाउ दैट जीन माइट बी हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल हाइट इज अ कैरेक्टर, हाइट एक कैरेक्टर है और उसे जीन वन कंट्रोल कर रहा है. नाउ हाइट के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. सो इस ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए उसी जीन के अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट होंगे. सो टॉलनेस को कैपिटल टी इज द एलील दैट इज कंट्रोलिंग द कैरेक्टर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज द एलील दैट इज कंट्रोलिंग द ड्वार्फनेस. तो सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स और ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजिशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम्स एंड अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर बट इन डिफरेंट वेज इज नोन एज एलील्स और एलिलोमॉर्फ. सो सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म्स या ऑल्टरनेट फॉर्म्स जो होमोलोगस क्रोमोजोम पे सेम ऑपोजिशन ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम एलील्स बोलते हैं एंड दे आर अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर. सपोज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, बोथ ऑफ देम आर एलील्स एंड ये दोनों सेम कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइट, बट दे आर अफेक्टिंग द कैरेक्टर इन अ डिफरेंट वे. वन इज कोडिंग फॉर टॉलनेस एंड द अदर वन इज कोडिंग फॉर डॉर्फनेस, बट एक ही कैरेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज वॉट एलील्स आर एंड वी ऑल्सो कॉल देम एलिलोमॉर्फ. इन शॉर्ट यू कैन से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील्स. तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील्स, जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं सेम जीन के एंड दे आर अफेक्टिंग द सेम कैरेक्टर, दे आर कोडिंग फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. कॉन्ट्रास्टिंग है ना, टॉलनेस इज एक्सट्रीम लेवल एंड डॉर्फनेस इज जस्ट द एक्सट्रीम ऑपोजिट.
So this is what we call alleles. So now just have a recap. If you can remember, you've studied about cell. Now cell ke andar there is a nucleus, and inside the nucleus there is chromosomes. Chromosomes contain the genetic material DNA. Chromosome genetic material DNA contain karte hain, and that functional segment of that DNA, DNA ka functional segment, usse hum gene bolte hain. नाउ जीन का जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसे हम एलील बोलते हैं. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द रिलेशन. सेल के अंदर न्यूक्लियस, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देर आर क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कंटेन द जेनेटिक मटीरियल दैट इज डीएनए, एंड डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है दैट इज जीन. नाउ जीन के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो सेम कैरेक्टर को इफेक्ट करते हैं बट इन अ डिफरेंट वे, दैट इज नोन एज एलील. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैरेक्टर हाइट एक कैरेक्टर है जिसके लिए जीन वन कंट्रोल कर रहा है उस कैरेक्टर को, एंड देर आर टू एलील्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जो उसी कैरेक्टर को डिफरेंट तरह से इफेक्ट कर रहे हैं. कैपिटल टी कोड्स फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी कोड्स फॉर ड्वार्फनेस. सो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर हाइट. आई होप यू माइट हैव गॉट द रिलेशन. जीन्स और एलील्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं. आइदर दे आर डोमिनेंट और दे आर रिसेसिव. नाउ द जीन और एलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है एंड दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है. अगर दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट है, सपोज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर प्रेजेंट टुगेदर, तो कैपिटल टी विल एक्सप्रेस इटसेल्फ वेयर एज इट विल सप्रेस स्मॉल टी. वो स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा. सो दैट इज अ डोमिनेंट जीन. वेयर एज रिसेसिव जीन, इट कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन. वो डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन. नाउ मूविंग अहेड, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेसेस बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस कंडीशन मीन्स suppose capital T, small t, capital R, small r, small r, जो सेम तरह के alleles एक साथ प्रेजेंट होते हैं उस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं. तो डोमिनेंट जीन अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशंस में एक्सप्रेस करता है. हेट्रोजाइगस मीन्स व्हेन इट इज प्रेजेंट विद द रिसेसिव एलील, मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी. जहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, होमोजाइगस कंडीशन होती है, डोमिनेंट जीन एक्सप्रेसेस इन बोथ द कंडीशंस. वेयर एज रिसेसिव जीन एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. वो सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पाता है, बिकॉज अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो वो डोमिनेंट एलील के साथ प्रेजेंट होगा, एंड डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. सो इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. Now dominant gene, why is it able to express itself? The reason is also important to know ki why dominant gene is dominating. Why is it able to express itself? So it expresses because it forms the complete enzyme for expressing the effect. कोई भी जीन अगर अपना इफेक्ट एक्सप्रेस करना चाहता है, सो दैट इज एबल टू हैपन, क्योंकि हर इफेक्ट कॉज करने के लिए द जीन हैज टू मेक अ एंजाइम, एंड दिस डोमिनेंट जीन इज एबल टू मेक द कंप्लीट एंजाइम. दैट इज व्हाई इट इज एबल टू एक्सप्रेस द इफेक्ट. एंड रिसेसिव जीन के साथ द प्रॉब्लम इज दैट द रिसेसिव जीन फॉर्म्स इनकम्प्लीट एंजाइम. वो कम्प्लीट एंजाइम नहीं फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स इनकम्प्लीट एंजाइम्स, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट फेल्स टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट. So this has been asked in CBSC in previous years. This is important. Why recessive gene fails to express its effect? Because it does not form complete enzyme. It forms incomplete enzyme, and that is why it fails to express its effect. Now dominant gene, like for height, tallness in plant, capital T, dominant gene hai. Round seed shape in pea plant, capital R, that is the dominant gene. Recessive ke liye dwarf, small t, that is the recessive gene. Wrinkle seed, small r, that is the recessive gene. So I hope you know tallness and dwarfness in pea plant, round seed shape and wrinkle seed shape. This you might have already been taught in class 10th. Now moving ahead, the difference between homozygous and heterozygous conditions. When both the alleles of a gene are identical or similar, जब दो alleles similar या identical होते हैं और एक साथ present होते हैं, that condition is known as homozygous condition. Just look at the examples: capital T, small t, capital R. Here, both the alleles are same. When they are present together, in a combination, both the alleles are same. So this is homozygous condition. And heterozygous condition, when both the alleles of a gene are non-identical, they are dissimilar. जब दोनों alleles एक साथ present हैं and वो dissimilar हैं, non-identical.
आइडेंटिकल है, सो दैट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन. नाउ होमोजाइगस इफ इट विल फॉर्म गैमीट्स, अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल गैमीट फॉर्म करेगा सो इट विल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, क्योंकि सेम तरह के कैपिटल टी बनाएगा अलग. अगर ये सेग्रीगेट करेगा, सेपरेट होगा, गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, देन अल्टीमेटली इट विल फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, क्योंकि वो गैमीट का टाइप सेम ही होगा क्योंकि उनके पास सेम तरह के एलील्स प्रेजेंट है. बट हियर इन हेटरोजाइगस कंडीशन इट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमीट. लाइक अगर ये सेपरेट होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में होगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर में होगा. तो इनके गैमीट्स दो अलग टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, और होमोजाइगस कंडीशन में ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट इज प्रोड्यूस. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव बीन नोइंग, इट्स गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, दैट ह्यूमन एंसेस्टर्स न्यू ऑलरेडी दैट द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ह्यूमंस अर्ली द एंसेस्टर्स अर्ली मैन, दे न्यू दैट द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. And it was since 8000 to 1000 BC. Since 8000 to 1000 BC, they were already aware ki jo variation ka cause hai, that is hidden somewhere around the sexual reproduction. Sexual reproduction hi wo cause hai variation ka. So how do we get an evidence ki unhe ye pata tha already? Because they exploited the variation present in wild population. Wo wild population mein jo variations present hote the, unko exploit karte the. And they selectively breed the organism, selective breeding karte the on wild population ki to obtain the desirable characters. I repeat what they did. They exploited the variation. जो variation wild population में present होते थे उनकी selective breeding करते थे, and then they obtained the organism with desirable character. The Sahiwal cows in Punjab are a very good example of this. Sahiwal cows in Punjab were not naturally occurring. They are a result of artificial selection and domestication from ancestral wild cows. So Sahiwal cows in Punjab, which are known for their high milk yield, they are a result of artificial selection and domestication. Inka artificial selection hua from ancestral wild cows. So ye ancestral wild cows ko selective breeding karne ke baad, artificial selection करने के बाद साहिवाल काउज इन पंजाब वर मेड. हाउएवर दे हैड नो नॉलेज अबाउट, लेकिन आर एंसेस्टर्स डिड नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट द साइंटिफिक बेसिस. उन्हें वेरिएशन के साइंटिफिक बेसिस के बारे में दे डिड नॉट हैव एनी नॉलेज. दिस ग्रेगर जॉन मिंडील. ग्रेगर जॉन मिंडील इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ये वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बताया दैट द जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, एंड देन ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो फॉर जेनेटिक्स. नाउ मिंडील इज फेमस फॉर कंडक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी पाइसम सटाइवम. मिंडील इज फेमस फॉर कंडक्टिंग द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट on pea plant, and the botanical name for pea plant is Pisum sativum. Now he conducted these experiments for 7 years, and on the basis of those experiments he gave 3 laws of inheritance. Apne experiments ke basis pe unhone 3 laws diye inheritance ke. Now he investigated characters in the pea plant. Unhone pea plant mein characters ko investigate kiya, research kari, and unhone sirf wohi characters pick up ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दैट हैड टू अपोजिंग ट्रेट्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिंडील इन्वेस्टिगेटेड द कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट एंड ही टुक ओनली दोज कैरेक्टर्स, ही मैनिफेस्टेड ओनली दोज कैरेक्टर्स विच अकर्ड एज टू अपोजिंग ट्रेट्स. ही ओनली पिक्ड अप दोज कैरेक्टर्स जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में या अपोजिट ट्रेट्स में प्रेजेंट थे. फॉर एग्जाम्पल टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट means height of had large bisexual flower. क्योंकि large bisexual flower है तो it ensures self pollination. तो वो self pollination ensure कर रहे थे, so there was no required for pollinating agent or anything. Now pea plant were annual. Pea plant annual है, so they complete their life cycle within a short span of time. So it will take a very short span, short time span to come to any conclusion. Now they produce a large number of seeds. Large number of seeds produce कर रहे हैं, तो clear conclusion draw करने में बहुत easy होगा, बहुत convenience हो जाएगी. Two breeding lines मिल रही थी with alternate forms of trait. Now this was the condition which was necessary for breeding experiment, hybridization experiment conduct करने के लिए having a pure line was necessary, and वो self pollination से obtain हो रहा था. So these were the 5 reasons because of which he was able to select the pea plant, and these were the advantages the pea plant had over other plants. Now the contrasting traits studied by Mendel in pea. The जो contrasting traits Mendel ने study किए थे in pea plant, stem height
एंड द डोमिनेंट एलील फॉर दिस वॉज टॉल एंड ड्वार्फ. सो कैपिटल टी टॉल इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट फॉर स्टेम हाइट, एंड स्मॉल टी ड्वार्फ दैट इज द रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव एलील. नाउ फ्लावर कलर, फ्लावर कलर वॉज द अदर कैरेक्टर. फ्लावर कलर के लिए द डोमिनेंट एलील इज, द डोमिनेंट ट्रेट इज वायलेट, कैपिटल डब्ल्यू, एंड वाइट इज द रिसेसिव ट्रेट दैट इज स्मॉल डब्ल्यू. फ्लावर पोजिशन एक्सियल, कैपिटल ए इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल स्मॉल ए इज रिसेसिव. पॉड शेप इन्फ्लेटेड दैट इज द डोमिनेंट वन, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड दैट इज द रिसेसिव वन. पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट, येलो recessive. Seed shape round, capital R dominant and wrinkled small r recessive. Seed color capital Y that is dominant, and capital small y green that is recessive. So these were the contrasting traits studied by Mendel in pea plant, and this table is quite important. And based on these observations he proposed that something is there jo stably ek generation se yani ki parent se offspring में पास डाउन हो रहा है थ्रू द गैमिट्स, स्पर्म एंड ओवम के थ्रू. समथिंग इज देयर जो उनके थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन हो रहा है, एंड दैट ही कॉल्ड एज फैक्टर्स, एंड ही टर्म दैट थिंग एज फैक्टर्स. नाउ फैक्टर्स आर नोन एज जीन्स. सो मेंडेल के जो लिए जो फैक्टर्स थे, फॉर अस वी कॉल देम जीन्स. Now, before we start the crosses that Mendel has given, let us first understand what are different generations. P generation, wo plants hote hain with contrasting traits. The plants having contrasting traits, jinmein pehli baar hybridization experiment conduct kiya jata hai, they constitute the P generation or the parent generation. Now F1 generation, the progeny obtained as a result of crossing the plant with contrasting traits. Plants with contrasting trait, inka jab hybridization hota hai, inki jab crossing hoti hai, to jo pehli generation obtained hoti hai, jo progeny obtained hoti hai, that is known as F1 generation or first filial generation. Now F2 generation, the progeny obtained due to crossing of members of F1. F1 generation ki crossing se jo progeny obtain hoti hai, that is known as F2 generation. Moving ahead, we'll discuss about genotypes and phenotypes. Now genotypes and phenotypes, जो genetic makeup होता है या genetic constitution होता है किसी भी organism का, we call it genotype. Whereas उसी gene का outward expression, जब वो gene अपने आप को किसी physical appearance या किसी character के form में express करता है, that is known as phenotype. So the outward expression of a gene in the form of physical appearance or behavior pattern in the form of any character, that is known as phenotype. Suppose capital T and small t are what? They are genotype, genetic constitution of an organism. But the description terms, that is tall and dwarf, ye kya hai? Ye phenotype hai. This is basically the phenotype. So tall and dwarf are phenotype, and capital T and small t, they are genotype. So jab hum genetic constitution of organism ki baat karte hain, then that is genotype. And when we are talking about the outward expression of the gene in the form of physical appearance, that is phenotype. Now Mendel gave three laws of inheritance. The first law is law of dominance, second law is law of segregation, and third law is law of independent assortment. लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडेल ने इस लॉ को एक्सप्लेन किया था बाय अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेसिकली वो क्रॉस होता है जिसमें वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, जहां हम सिर्फ एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. एंड वेयर वी स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, वी कॉल इट डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो मेंडेल प्रूव द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ही एक्सप्लेन द लॉ बाय यूजिंग monohybrid cross. Now monohybrid cross mein what he did, he crossed pure tall plant, means capital T genotype wala pure tall plant with a pure dwarf plant. Pure dwarf will be small t. So Mendel ne, he took two pure plants, pure tall plants and pure dwarf plant. Pure here means true breeding. True breeding means continuous self-pollination hone ke baad wo is character ke liye stability show kar rahe hain. So he took capital T and small t. He crossed pure tall plant with pure dwarf plant of Pisum sativum, that is P. Now the F1 progeny which was produced were all hybrid tall. They were tall, but they were not
नॉट प्योर टॉल, दे वर हाइब्रिड टॉल. इसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन नहीं थी, हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई. जितने भी एफ वन प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए दे वर ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी. ऑल्दो दे रिसीव द जीन फॉर ड्वार्फनेस, लेकिन वो एफ वन जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ. देन ही सेल्फ क्रॉस द एफ वन प्लांट, उन्होंने एफ वन प्लांट की सेल्फ क्रॉसिंग कराई. वेयर एफ टू प्रोजेनी प्रोड्यूस, नाउ द एफ टू प्रोजेनी दैट वॉज प्रोड्यूस, इट हैड बोथ द कैरेक्टर्स टॉल एंड ड्वार्फ इन द रेशियो 3:1. Now suppose 4 individuals were produced in F2, so 3 had tall character and 1 was showing dwarf character. So this was F2 progeny ka result. Therefore in F1 plant, gene for both tallness and dwarfness were present. F1 plants mein tallness and dwarfness dono ke liye genes present the. However, gene for dwarfness was not able to express itself. लेकिन जो dwarfness का gene था वो अपने आप को express नहीं कर पा रहा था tallness वाले gene के presence में. So इसके basis पे he clarified that tallness is dominant over dwarfness. Because F1 plant was having genes for both the characters, tallness and dwarfness. But tallness वाला was able to express itself and dwarfness gene was not able to express itself. So it, on that basis, cases he concluded that tallness is dominant over dwarfness. Let's have a look at the cross, the monohybrid cross. If you can see the parent generation, pure tall capital T crossed with pure dwarf small t. Now they for crossing they'll form gametes first. So ye sab alag ho jayenge, capital T alag and this capital T alag, and then small t will separate from each other because gamete formation hoga. Now crossing will take place. First crossing with the first one, then the first crossing with the second one, the second crossing with the first one, and the second crossing with the second one. Now we'll get 4. This is F1 generation. Now ye combination jo hume obtain hua F1 generation mein, that was heterozygous tall, hybrid tall, all tall plants were there. Now F1 ki self crossing hui. These are hybrid talls. Now they will produce gametes before crossing, capital T small t, capital T small t. Now we'll use a Punnett square checkerboard for calculating the genotypes and ultimately the phenotype. Now इस डिवाइस को यूज करके हम जीनोटाइप कैलकुलेट करते हैं. जीनोटाइप के से हम एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली हम फिनोटाइप डिसाइड करते हैं. सो दिस इज हाउ वी डिड द क्रॉसिंग. वन गैमीट वॉज प्लेस हियर एंड वन पेयर ऑफ गैमीट वॉज प्लेस हियर. नाउ वी डिड द क्रॉसिंग कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. नाउ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. Now this is how we did the crossing. So ultimately F2 generation ka jo genotype aaya, it was this 3 tall and 1 dwarf. So phenotype if we see ki agar inka physical appearance dekhe to uske basis pe there are 3 tall and 1 dwarf, so phenotypic ratio is 3:1. But if we look at the genotypic ratio, so if this type of gene combination is only 1, so 1, this type of gene combination is 2, so we wrote 2, and then this type of gene combination is 1, so again 1. So phenotypic ratio for monohybrid cross is 3:1, genotypic ratio for monohybrid cross is 1:2:1. Now what conclusions he drawed after the law of dominance, that the characters are controlled by discrete unit called factors. So factors Mendel ke liye actually genes the. So he said that the characters are controlled by genes, factors, and these factors occur in pairs, jise hum allele bolte hain. And in a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, means one allele is dominant and the other is recessive. These were the conclusions he made. And on that basis, your final statement tha, the law of dominance explains the expression of only one parental character in F1. Jo law of dominance hai, wo basically kya explain kar raha hai? F1 generation mein, only one parental character is expressing, whereas the expression of both the characters in F2 generation. F2 generation में दोनों characters का expression and F1 generation में only one character का expression, and it also explains the ratio of 3:1 in a monohybrid cross. F2 में 3:1 का ratio भी explain करता है in a monohybrid cross. So that was all about law of dominance. Let's move ahead and talk about law of segregation. Law of segregation, when a pair of allele are present together, segregation is also based on monohybrid cross. Law of segregation bhi Mendel ne monohybrid cross ko use karke hi explain kiya tha. Now if you recall, when a pair of allele are present together in F1 hybrid mein ya heterozygous condition mein, jo alleles hain,
लाइक जस्ट रिकॉल द एफ वन हाइब्रिड, एफ वन हाइब्रिड में ये जो एलील्स एक साथ प्रेजेंट हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, दे रिमेन टुगेदर एंड दे सेपरेट और सेग्रीगेट ओनली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. तो जब ये यहाँ एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट है एक साथ, व्हेन दे वर प्रेजेंट टुगेदर दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग. वो अपने कैरेक्टर्स की मिक्सिंग या ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे हैं एंड दे रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग और ब्लेंडिंग एंड दे सेपरेट ओनली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन. ये तभी अलग अलग होते हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट व्हेन अ पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन एफ वन हाइब्रिड हेटरोजाइगस कंडीशन में, एफ वन जनरेशन में जब दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, देन बोथ द एलील्स रिमेन टुगेदर, दे रिमेन टुगेदर विदाउट ब्लेंडिंग और मिक्सिंग, बट सेपरेट और सेग्रीगेट कंप्लीट एंड प्योर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. बट ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, और जब भी अलग होते हैं इन्होंने कोई ब्लेंडिंग नहीं की होती है, सो दे आर प्योर, दे आर कंप्लीट एंड प्योर स्टिल. दैट इज व्हाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. इसीलिए हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं. नाउ दिस वाज ऑल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस. नाउ वी विल टॉक अबाउट समथिंग न्यू, दैट इज एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शंस थे एंड दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी. Incomplete dominance and co-dominance. Now let's talk about incomplete dominance first. ये वो phenomena है जहाँ पे none of the allele is dominant. None of the allele is dominant. The expression of character is intermediate. जो character का expression है वो intermediate हो रहा है F1 में. दोनों में से कोई भी contrasting allele डोमिनेट नहीं कर पा रहा है और जो F1 में कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो इंटरमीडिएट वे में हो रहा है. दिस मींस दैट द F1 हाइब्रिड डिड नॉट रिजेंबल एनी ऑफ द पेरेंट. जब एक पेरेंट को रिजेंबल कर रहा था तब लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा था. जब दोनों में से कोई भी पेरेंट को वो रिजेंबल नहीं कर रहा है एंड इज इन बिटवीन द टू, इट इज इन इंटरमीडिएट कंडीशन, तो हम उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं. आई एम रिपीटिंग वॉट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग वो किसी एक पेरेंट को रिजेंबल करेगा जो पेरेंट डोमिनेट कर रहा होगा. बट वहाँ यहाँ पे जो एक्सेप्शन हम स्टडी कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अकॉर्डिंग टू दिस ये वो फिनोमिना है जहाँ नन ऑफ द एलील इज डोमिनेंट, नन ऑफ द एलील इज एबल टू डोमिनेट प्रॉपरली, द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज इंटरमीडिएट. वो कैरेक्टर इंटरमीडिएट कंडीशन में एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में. सो F1 हाइब्रिड डू नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट, इट इज इन बिटवीन द टू. नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स, लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. डॉग फ्लावर, जैसे हम स्नैप ड्रैगन या एंटीराइनम बोलते हैं, सो डॉग फ्लावर इज स्नैप ड्रैगन और एंटीराइनम. यहाँ पे व्हाट हैपेंड दैट व्हेन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, जब ट्रू लाइन या प्योर लाइन रेड फ्लावर की वॉज क्रॉस्ड विद अ ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, देन द F1 जनरेशन वॉज पिंक. सो हियर व्हाट कंडीशन वॉज सीन, ना तो डोमिनेंट डोमिनेट कर रहा है ना तो रिसेसिव एक्सप्रेस कर रहा है पूरी तरह से. सो इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई, नाइदर रेड इज एक्सप्रेस नॉर व्हाइट इज एक्सप्रेस, पिंक कलर इज सीन इन F1 जनरेशन. सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, देन फर्दर जब F1 की सेल्फ क्रॉसिंग या सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, देन F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो, जहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो वॉज 1:2:1. So here the phenotypic ratio and the genotypic ratio turned out to be इस condition में जो phenotypic और genotypic ratio था वो दोनों ही ratios 1:2:1 आए, means one red flower was obtained, two pink flower was obtained and one white flower was obtained. Here the genotypic ratio was same as any other monohybrid cross. यहाँ पे जो genotypic ratio था वो तो किसी भी monohybrid cross की genotypic ratio की तरह ही था, but change was seen in the phenotypic ratio. Phenotypic ratio should be 3:1, but here the phenotypic ratio also changed to 1:2:1. So this is very important example. Incomplete dominance is a condition where none of the allele is dominant and the character is expressed is in intermediate condition in F1. Now F1 does not resemble any of the parent and is in between the two. Example is dog flower, which is also known as snapdragon or antirrhinum. When red flower was crossed with white flower, then the F1 was pink, and when F1 was self-pollinated, then it showed the ratio of phenotypic and genotypic ratio of 1:2:1. So incomplete dominance में जो phenotypic और genotypic ratio आया basically that is 1:2:1.
So now you understood what is incomplete dominance. Now another example is inheritance of skin color in humans. Suppose a black skinned person is crossed with a white skinned person, then the F1 progeny is having a intermediate skin tone. So yahan pe inheritance of skin color in humans is also an example of incomplete dominance, jahan aap dono alleles apne aap ko ek saath express नहीं कर पा रहे. जस्ट हैव अ लुक एट द क्रॉस. द रेड प्लांट, द रेड फ्लावर वॉज क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर. कैपिटल आर एंड स्मॉल आर वर क्रॉस. दे प्रोड्यूस गैमीट्स. हम यहाँ पे एक ही गैमीट कंसिडर कर रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर. नाउ जो F1 में हमें चार कॉम्बिनेशन मिलेंगे वो एक्चुअली क्या मिलेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर. सो ऑल विल बी पिंक. यहाँ पे इट शुड बी रेड बट ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो F1 जेनरेशन में हमें रिजल्ट मिला दैट वॉज पिंक कलर्ड फ्लावर्स. ऑल फ्लावर्स वर पिंक कलर्ड. नाउ F1 वॉज सेल्फ क्रॉस तो गैमीट्स बने कैपिटल आर स्मॉलर एंड यूजिंग पुनेट स्क्वेयर वी क्रॉस्ड वी used the calculation, we did the calculation. So capital R red, capital R small r pink, capital R small r pink and small r white. So F2 generation mein basically hume jo char results mile uske according phenotype. Now this is red, these two are pink and this is white. So phenotypic red, pink, white 1:2:1 ho gaya. Now genotypic ratio if we are considering, that is this one is 1, this one is 2 and this one is 1. So 1:2:1. So incomplete dominance ka phenomena you might have understood. This was one exception and this is seen in the dog flower, that is snapdragon or antirrhinum, jahan pe red flower with white flower ki crossing mein hume pink flower mil raha hai and phenotypic and genotypic ratio are equal, that is 1:2:1. Now talking about co-dominance. कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक पेरेंट से रिजेंबल कर रहा था F1 जेनरेशन. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों में से किसी को रिजेंबल नहीं कर रहा था F1 जेनरेशन. नाउ कोडोमिनेंस में व्हाट हैपेंस दैट बोथ द एलील्स आर इक्वली एक्सप्रेसिव एंड द F1 रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स. तो जहां पे F1 जनरेशन दोनों ही पेरेंट को रिजेंबल कर रहा हो एंड दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को, सो दैट कंडीशन इज नोन एज कोडोमिनेंस. आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन. लॉ ऑफ डोमिनेंस में द F1 जनरेशन इज रिजेंबलिंग ओनली वन पेरेंट. लॉ दिस एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में द F1 जनरेशन इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द पेरेंट, इंटरमीडिएट कंडीशन शो कर रहा है. एंड इन कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन इज resembling both the parent because both the alleles are equally expressive. Now example here is AB blood group. Allele IA जो है वो responsible होता है blood group A के लिए and allele IB that is responsible for blood group B. So IA होगा, so blood group A will be there. IB होगा, तो blood group B will be there. When they both are present together, बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर. जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये दोनों अपनी अपनी शुगर प्रोड्यूस करते हैं. दे एक्सप्रेस बोथ टाइप ऑफ शुगर्स एंड दे प्रोड्यूस द ब्लड ग्रुप ए बी. सो जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं दे आर एक्सप्रेसिंग देयर ओन टाइप ऑफ शुगर एंड दे प्रोड्यूस द ब्लड ग्रुप ए बी जिसका जीनोटाइप होता है IA IB. नाउ दिस हैपन्स ड्यू टू कोडोमिनेंस. सो ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है, देयर इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ. सो ए बी ब्लड ग्रुप स्पेसिफिकली एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, जहाँ पे एलील IA और IB जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो दोनों अपनी तरह की शुगर्स एक्सप्रेस करते हैं एंड दे प्रोड्यूस द ब्लड ग्रुप ए बी. नाउ एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस में देर इज मच मोर. रोन कोट कलर इन कैटल्स, रोन कोट कलर इन कैटल्स. इफ यू माइट हैव सीन अ कैटल जिसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर के पैचेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रोन कोट कलर. When a cattle with black color was crossed with a cattle with white color, then the F1 hybrid has a roan coat color. जब black color की cattle को white color की cattle से cross कराया गया तो जो F1 hybrid का conclusion था that was roan coat color. F1 generation में roan coat color आया where black and white patches appear separately. So that basically is a case of codominance. ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का. रोन कोट कलर इन कैटल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिकल सेल एनीमिया. नाउ द एलील फॉर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल शेप हीमोग्लोबिन. नाउ दिस इज अ डिजीज जहाँ पे नॉर्मल RBC जो बाई कॉनकेव डिस्क की तरह होते हैं वो
सिकल शेप हो जाते हैं, दे श्रिंक. नाउ व्हाट हैपेंस, जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है दैट इज ड्यू टू द एलील HBS व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद एलील फॉर हीमोग्लोबिन HBA. नाउ हीमोग्लोबिन के लिए एलील है HBA और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के लिए HBS. सो HBA एंड HBS जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं, सो बोथ नॉर्मल एंड सिकल शेप RBC आर सीन इन द ब्लड. मतलब when both these alleles are present together, तो in a person two types of RBC are seen. Normal RBC is also present and sickle shape RBC is also seen. So they are apparently unaffected. The person seems to be apparently unaffected. वो person unaffected है, लेकिन वो उस disease के carrier की तरह act करने लगता है. और उसकी body में 50% of the blood cells are sickle shape and 50% are normal. So what is being observed here that the both the alleles are expressing themselves. So sickle cell anemia is also an example of codominance. Now here we studied about two exceptions of law of dominance, incomplete dominance. Incomplete dominance may the example is the flower color in dog flower, snapdragon or antirrhinum, and the inheritance of skin color in humans. Now in law of that exception of codominance, you went through the examples, that is AB blood group, roan coat color in cattle, and sickle cell anemia. Now let's talk about test cross. Test cross is a cross which is made between an organism with unknown genotype. Suppose there is an organism jiska genotype aapko nahi pata hai, it is having a dominant character, wo dominant character possess kar raha hai, but we don't know that whether it is homozygous or heterozygous, hame uska genotype nahi pata hai. So we do a cross between that unknown genotype and the homozygous recessive parent. So a cross that is made between an unknown genotype organism jiska genotype unknown hai with the homozygous recessive parent ke sath us unknown genotype wale organism ka jo cross hota hai, that is known as test cross. So the cross between an organism of unknown genotype means we know that it is having a dominant character, but we don't know whether it is homozygous or heterozygous. Wo dominant character possess kar raha hai, lekin hame nahi pata hai that whether it is homozygous or heterozygous. तो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए we'll do the crossing of that organism with the recessive parent. Now test cross basically perform किया जाता है to predict the genotype of the test organism. Unknown organism का genotype predict करने के लिए this test cross is performed, and whether it is homozygous or heterozygous for the dominant character. So I'm just repeating it that test cross में we already know that the organism is coding for dominant character. We just want to know whether it is homozygous or heterozygous. So if we want to know the genotype of any organism, we'll do which type of cross? Test cross. For example, there is a violet flower. हमारे पास वायलेट फ्लावर है, एंड वी ऑलरेडी स्टडीड इन दैट चार्ट ऑफ मेंडेल्स कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कि फ्लावर कलर के लिए वायलेट इज डोमिनेंट एंड वाइट इज रिसेसिव. तो अगर वायलेट फ्लावर इज देयर, सो वी नो कि ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है. So there is a violet flower and we don't know whether it is homozygous or heterozygous for the color violet. Now violet flower ko we'll cross with the white flower kyunki hame pata hai ki recessive is white. Now if the violet flower is homozygous, agar wo violet flower homozygous hoga, so offsprings will be 100% violet. So jitne bhi offsprings honge us cross ke baad wo sare violet honge. If the violet flower is heterozygous, or agar wo violet flower, wo unknown violet flower heterozygous hoga, then the offspring will be 50% violet and 50% white. Therefore, for a monohybrid test cross ratio, तो इसी वजह से जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो होता है दैट इज 1:1. क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में तो कोई रेशियो ही नहीं होगा, सारे 100% वायलेट होंगे, बट अगर हेट्रोजाइगस निकल आता है तो 50% वायलेट 50% वाइट. सो रेशियो विल बी रेशियो फॉर अ टेस्ट क्रॉस विल ऑलवेज बी 1:1. अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है तो 1:1 क्योंकि हम एक कैरेक्टर को कंसिडर करें, और अगर डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है तो 1:1:1:1. नाउ लेट्स हैव diagrammatic representation of this.
दिस इज द अननोन वायलेट फ्लावर जो हमारे सामने था एंड वी वर नॉट नोइंग वेदर इट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर. तो हमने दोनों ही पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर लिया एंड वी स्टार्टेड क्रॉसिंग इट विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट और द वाइट फ्लावर. तो जब हमने वेन वी क्रॉस्ड इट विद द वेन वी अज्यूम्ड इट टू बी होमोजाइगस, जब अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा एंड हम इसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे देन ऑल फ्लावर्स विल बी वायलेट. सो इफ आफ्टर क्रॉसिंग वी गेट ऑल द प्रोजेनीज वायलेट देन वील नो दैट इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट. एंड इफ आफ्टर क्रॉसिंग वी गेट 50% वायलेट एंड 50% वाइट प्रोजेनी देन वील गेट टू नो कि इनकी क्रॉसिंग के बाद ये जो रिजल्ट आ रहा है उसमें अगर हमें 50% वायलेट और 50% वाइट प्रोजेनी मिल रही है देन वील गेट टू नो दैट दिस अननोन फ्लावर वायलेट फ्लावर इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीपल एलील्स. अभी तक वी न्यू कि किसी भी जीन को दो एलील्स थे फॉर अ जीन फॉर देवर कंट्रोलिंग द कैरेक्टर, बट नाउ वील स्टडी अबाउट मल्टीपल एलील्स. हर जीन के लिए दो एलील्स अभी तक वी हैव स्टडीड कि एक कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए दो एलील्स प्रेजेंट हैं एक जीन के, बट सम जीन्स आर प्रेजेंट इन मोर देन टू एलिलिक फॉर्म्स. कुछ ऐसे भी जीन्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा एलिलिक फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे ऑल आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर, दे आर नोन एज मल्टीपल एलील्स. आई एम रिपीटिंग, टिल नाउ वी हैव स्टडीड फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जीन फॉर हाइट और उसके दो एलील्स हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी. वी हैवंट स्टडीड अबाउट एनी थर्ड फॉर्म. नाउ हियर वी आर स्टडीइंग दैट देर आर सम जीन्स दैट आर प्रेजेंट इन मोर देन टू एलिलिक फॉर्म, जो दो से ज्यादा एलिलिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर गवर्निंग और कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर. दे आर नोन एज मल्टीपल एलील्स. दे आर एक्चुअली द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन. वो सेम जीन में म्यूटेशन होने की वजह से डेवलप्ड हुए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. नाउ मल्टीपल एलील्स आर फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. मल्टीपल एलील किसी एक इंडिविजुअल में यू कैन नॉट सी, क्योंकि एक इंडिविजुअल की बॉडी में एक कैरेक्टर के लिए सिर्फ दो ही एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं. मल्टीपल एलील्स आपको तब दिखाई देंगे जब आप पॉपुलेशन स्टडी करते हैं. सो इन एन इंडिविजुअल यू कैन नेवर ऑब्जर्व मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि इन एन इंडिविजुअल किसी एक कैरेक्टर के लिए ओनली टू एलील्स कैन बी प्रेजेंट, वेर एज मल्टीपल एलील्स कैन बी ऑब्जर्व कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड. अगर हम भी पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में वील स्टडी देन वील बी एबल टू ऑब्जर्व मल्टीपल एलील्स. लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन्स. ए बी ब्लड ग्रुप नहीं, वीट वी आर टॉकिंग अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन्स. Now, there was a person, Carl Landsteiner. इन्होंने ब्लड को चार कैटेगरीज में ग्रुप किया था, डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटीन और द एंटीजन और अग्लूटिनोजन और शुगर पॉलीमर दैट इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सर्फेस. कार्ल लैंडस्टीनर ने बेसिकली ब्लड को चार ब्लड ग्रुप्स में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. नाउ एंटीजन को हम अग्लूटिनोजन भी बोलते हैं, शुगर पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं. सो बी रेडी फॉर एंटीजन और अग्लूटिनोजन और शुगर पॉलीमर्स. सो ही डिवाइडेड द ब्लड बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दीज एंटीजन, और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी. नाउ एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई. ये जो ब्लड ग्रुप है एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन दैट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन ओनली दैट इज आई. नाउ जीन आई हैज थ्री एलील्स, दो से ज्यादा एलील्स हो रहे हैं तो मल्टीपल एलिलिज्म हो गया एंड दे आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर. ना वो ब्लड ग्रुप के लिए ही तो वर्क कर रहे हैं. सो दिस इज वेयर मल्टीपल एलिलिज्म आपको दिखाई दे रहा है. सो एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई और जीन आई के तीन एलील्स हैं, आई ए फॉर ब्लड ग्रुप ए, आई बी फॉर ब्लड ग्रुप बी एंड आई फॉर ब्लड ग्रुप ओ. तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एलिलिज्म दिखाई दिया. देर इज वन जीन हैविंग मोर देन टू एलील्स, तीन एलील्स हैं यहाँ पे और वो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं. सो दिस इज मल्टीपल एलिलिज्म. नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट दिस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. जो एलील आई ए है और एलील आई बी है दे प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर. वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर प्रोड्यूस करते हैं. दे आर मोर और लेस इक्वल बट स्लाइट डिफरेंट. वेयर एज एलील आई दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी
sugar. So, teen alleles mein se IA and IB, they produce slightly different form of sugar, whereas allele I does not produce any sugar. Allele I koi sugar produce hi nahi karte. When IA and I are present, kyunki I koi sugar produce nahi kar rahi aur IA शुगर प्रोड्यूस कर रही है, तो जब ये प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है शुगर, सो आई और आई प्रेजेंट होते हैं साथ में, तो सिर्फ आई ए एक्सप्रेस होगा और ब्लड ग्रुप ए हो जाता है. व्हेन आई बी एंड आई आर प्रेजेंट, ओनली आई बी एक्सप्रेस. जब आई बी और स्मॉल आई प्रेजेंट होता है एक साथ, तो सिर्फ आई बी एक्सप्रेस होता है एंड द ब्लड ग्रुप इज बी. व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, और जब एलील आई ए और आई बी एक साथ प्रेजेंट होता है, तो दोनों ही एक्सप्रेस कर जाते हैं ड्यू टू कोडोमिनेंस एंड द पर्सन इज हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी. सो सिंस देयर आर थ्री एलील्स, क्योंकि तीन एलील्स हैं, तो सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल. तो सिक्स जीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं. सो वन थिंग यू नीड टू नो अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग्स इन ह्यूमन, कि एक जीन है जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज जीन आई, एंड थ्री एलील्स आर देयर फॉर इट, दैट इज आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई. नाउ देयर आर थ्री एलील्स, तो तीन एलील्स के कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल हैं? सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल. एंड फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं? फोर, दैट इज ए बी ए बी एंड ओ. फिजिकली तो हमें चार दिखाई दे रहे हैं ब्लड ग्रुप में, सो फिनोटाइप फोर है, जीनोटाइप सिक्स है, एलील्स थ्री है एंड जीन इज वन. एंड वन मोर थिंग टू नोट, दैट इफ देर इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि विच टाइप ऑफ कपल विल हैव द ऑर्गेन द ऑफस्प्रिंग्स विद ऑल फोर ब्लड ग्रुप, कौन सा ऐसा कपल होगा जिसके जो प्रोजेनी होगी विल हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल फोर ब्लड ग्रुप. सपोज फोर ऑफस्प्रिंग्स आर देयर, तो उनमें सब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होंगे, सारे ही ब्लड ग्रुप्स आ जाएंगे, दैट इज हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी. अगर ब्लड ग्रुप ए के लिए हेट्रोजाइगस और ब्लड ग्रुप बी के लिए हेट्रोजाइगस पेरेंट्स की क्रॉसिंग होती है, देन द चाइल्ड विल हैव द पॉसिबिलिटी फॉर ऑल फोर ब्लड ग्रुप, मींस वन विल हैव ए, वन विल हैव बी, वन विल हैव ए बी एंड वन विल हैव ओ. ऐसे क्रॉसिंग के केसेस में ऑफस्प्रिंग में चारों ब्लड ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देगी. ओके, सो द ऑफस्प्रिंग विद ऑल फोर ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल विद पेरेंट्स हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी. एंड प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि एक ही ऑफस्प्रिंग में चारों ब्लड ग्रुप दिखाई देंगे, अलग अलग ऑफस्प्रिंग्स में चार ब्लड ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे वन बाय वन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड अबाउट प्लियोट्रोपी. मल्टीपल एलिलिज्म में जो अभी वी हैव स्टडीड व्हाट वाज हैपनिंग, दैट वन जीन वाज हैविंग मोर देन टू एलील्स एंड इट वाज कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर. तो बहुत सारे एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे. नाउ प्लियोट्रोपी के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे जस्ट द ऑपोजिट इज हैपनिंग, दैट वन जीन इज इन्फ्लुएंसिंग मोर देन वन कैरेक्टर और मोर देन वन ट्रेट. वहाँ पे बहुत सारे एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे एंड यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इन प्लियोट्रोपी कि एक जीन कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. सो द एबिलिटी ऑफ अ जीन टू इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट, दैट इज नोन एज प्लियोट्रोपी. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में अभी वी हैव स्टडीड अबाउट कोडोमिनेंस ऑल्सो, कि वहाँ पे कोडोमिनेंस की कंडीशन है. सिकल सेल एनीमिया प्लियोट्रोपी का भी एग्जाम्पल है. नाउ ये एक हेरिडिटी डिजीज है जहाँ पे अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है. अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनने से जो आरबीसी होते हैं वो बायकॉनकेव डिस्क की जगह सिकल शेप हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं. वेयर एज जो हेट्रोजाइगस स्टेट है, इसी में जो हेट्रोजाइगस स्टेट है जो अभी हमने कोडोमिनेंस में पढ़ा था, दैट इज HBA HBS अगर एक साथ प्रेजेंट होते हैं, कोडोमिनेंस शो करते हैं, सो उस हेट्रोजाइगस स्टेट में मलेरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड होती है. सो वन हैंड, ऑन वन हैंड इट इज अफेक्टिंग वन कैरेक्टर कि वो आरबीसी को सिकल शेप फॉर्म कर रहा है, सिकल शेप आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है. एंड ऑन द अदर हैंड इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग वन कैरेक्टर दैट इट इज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया.
Now, उसका रीजन है, देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज द आरबीसी बिकम्स सिकल शेप, सो जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इट इज अनेबल टू लिव इन द डिस्टॉर्टेड सेल्स. वो उन डिस्टॉर्टेड सेल्स में नहीं रिसाइड कर पाता है, इट इज नॉट एबल टू लिव इन साइड दोज डिस्टॉर्टेड सेल्स. सो द पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया से प्रोटेक्शन मिल जाती है, सो दैट द पर्सन इज ऑन वन हैंड एनेमिक, बट ऑन द अदर हैंड उसे एक एडवांटेज भी मिल जाता है, दैट इज प्रोटेक्शन against malaria. So here this gene is controlling more than one character. So ye pleiotropy ka best example hai, sickle cell anemia, hereditary disease where abnormal hemoglobin ka production hota hai, jiski wajah se RBC biconcave disc ki shape ki jagah sickle shape ho jate hai, whereas isme jo heterozygous state hoti hai wo malaria ke against protection bhi provide kar deti hai, because jo malarial parasite hota hai wo sickle shape cells mein reside nahi kar pate. Now next example is starch synthesis in pea seed. Starch synthesis in pea is controlled by one gene. Pea seeds में जो starch की synthesis होती है उसको एक gene control करता है, और उस gene के दो alleles हैं, capital B and small B. तो जो capital B condition है, that is responsible for starch synthesis. वो effectively starch को synthesize कर रही है, और जब starch को बच्चे से बन रहा है तो large grains produce हो रहे हैं, pea grain large हो रहे हैं. Whereas small B condition less efficient है, तो starch की synthesis properly efficiently नहीं हो पा रही है, सो जो पी ग्रेन्स हैं वो स्मॉल ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. Now this was the one character that it is governing, that is starch ki synthesis. Apart from this, this gene is also responsible for the shape of seed. Ye gene shape of seed bhi decide kar raha hai. If there is capital B, to seeds are round, and in small b, the seeds are wrinkled. So now you got the point ki ye ek gene, jo one gene hai, that is B, that is controlling two things. One is starch synthesis and the other thing is seed shape. So this is how pleiotropy का ये भी example consider किया जाएगा. Then phenylketonuria is also a hereditary disease. Now in this disease जो amino acid होता है phenylalanine, you might have studied about the amino acid phenylalanine. Phenylalanine का according to metabolism उसका conversion होना चाहिए tyrosine amino acid में, but it gets converted into phenylpyruvic acid. क्योंकि proper enzyme present नहीं होती है, तो जब उसका conversion phenylalanine का tyrosine amino acid में होना चाहिए, instead of that उसका conversion हो जाता है phenylpyruvic acid में. Now accumulation of this compound phenylpyruvic acid, ये phenylpyruvic acid का accumulation जब brain में होता है तो उसकी वजह से mental retardation हो जाती है in the affected individual. The affected individual will have mental retardation. Now apart from this, ये सारी चीज़ें इनमें जो इनके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. सो स्किन में पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड हेयर रिडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सो हियर द जीन इज इफेक्टिंग थ्री कैरेक्टर्स, एक सिंगल जीन तीन कैरेक्टर्स को इफेक्ट कर रहा है. सो दैट इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी. सो प्लियोट्रोपी के एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया, एंड देर इज द स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, एंड फिनाइल कीटोन यूरिया. फिनाइल कीटोन यूरिया बेसिकली एक हेरिडिटी डिजीज है, जहां पे फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है वो एब्सेंट है. सो अल्टीमेटली क्या होता है, ये फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड फिनाइल पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस कंपाउंड का अक्यूमुलेशन ब्रेन में कॉजेस मेंटल रिटार्डेशन, उस पर्सन को मेंटली रिटार्ड कर देता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो जीन है वो हेयर रिडक्शन के लिए और स्किन पिगमेंटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. सो वन जीन कॉजिंग मेनी इफेक्ट, इफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर और मोर देन वन ट्रेट, इस फिनोमेना को प्लियोट्रोपी बोलते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दैट वाज गिवन बाय मेंडेल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वॉज गिवन बाय यूजिंग डाईहाइब्रिड क्रॉस. प्लीज बी वेरी अलर्ट दैट मेंडेल ने दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करके दिए थे, वेर एज द थर्ड लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वॉज गिवन बाय मेंडेल यूजिंग डाईहाइब्रिड क्रॉस. सो मेंडेल गेव द थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू विच, वेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब हम एक साथ
एक हाइब्रिड में दो पेयर ऑफ ट्रेट्स को स्टडी करते हैं, देन द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. आई रिपीट, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, दीज आर टू पेयर ऑफ ट्रेट, राउंड एंड येलो सीड, दो कैरेक्टर्स कंबाइन है हाइब्रिड में, एंड देन द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर का सेग्रीगेशन, एक पेयर का सेपरेशन दूसरे पेयर के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट है. नाउ आई एक्सप्लेन यू वॉट इज स्टेटेड हियर. पेरेंट जेनरेशन थी, राउंड एंड येलो सीड्स वर क्रॉस्ड विद ग्रीन एंड रिंकल सीड, दो कैरेक्टर्स कंसिडर करे गए, दैट इज वाई वी कॉल दिस क्रॉस एज डाई हाइब्रिड क्रॉस. नाउ राउंड एंड येलो सीड जब गैमीट फॉर्म करेंगे, पेरेंट जेनरेशन जब गैमीट फॉर्म करेगा क्रॉसिंग के लिए, सो ये चार गैमीट नहीं फॉर्म करेगा, दो ही गैमीट फॉर्म करेगा, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, यानी कि हर कैरेक्टर का एक एलील आएगा गैमीट में, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई. Now small r small y and small r small y. So each gamete will have one allele from both the characters. Dono character se ek ek allele aana chahiye. Now gamete ka formation ho gaya. Now F1 hybrid will be formed as it is. Jaise mono hybrid mein ho raha tha, that capital R capital capital R small r and capital Y small y will be the genotype of all F1, यानी कि सारे F1 generation round और yellow seeds होंगे. But now what will happen, अब इनका self crossing होगा, self crossing of F1. So self crossing of F1 में क्या होगा कि ये gametes form करेंगे, क्रॉस होने से पहले इनके गैमीट्स फॉर्म होंगे. सो नाउ जो गैमीट फॉर्मेशन होगा उसमें आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होता दिखाई देगा. कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि कैपिटल आर कैपिटल वाई विल बी देयर, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई वो भी हमने देखा था. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जरूरी नहीं है कि स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही असॉर्टमेंट या कॉम्बिनेशन शो करेगा और कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही कॉम्बिनेशन या असॉर्टमेंट शो करेगा. इट इज इंडिपेंडेंट, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर. मतलब अब कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है एंड स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन शो कर रहा है. तो अल्टीमेटली हमें चार कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं. And here is where the law of independent assortment is applied, that when two pair of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the segregation of other pair of character. एक character का जो segregation होता है वो दूसरे character के segregation से independent है. जरूरी नहीं है कि ये दोनों dominant है तो ये एक साथ ही combine करेंगे. It is independent. Okay, now on the basis of whatever we have studied, Punnett square या checkerboard के help से हम एक gamete इस side लिखेंगे and one pair of gamete the other side, and we'll start crossing and we'll get the result. Now the thing to remember that the phenotypic ratio for this is 9:3:3:1. मतलब 9 round और yellow seeds मिलेंगे, 3 round और green seeds मिलेंगे, and 3 wrinkled and yellow seeds will be there. 1 wrinkled green seed will be there. So 9:3:3:1 is the phenotypic ratio. ये phenotypic ratio है. How you got to know that 9 round yellow है, 3 round green है, 3 wrinkled yellow है and 1 wrinkled green है. तो उसके basis पे we gave the phenotypic ratio, physical appearance के base पे. Now coming to genotypic ratio. If we'll start calculating the genotype combination, तो genotype combination के basis पे हमें ये ratio मिलता है, that is 1:2:2:4:1:2:1:2:1. Now that is very long. So instead of this, you can learn it with a trick. 12:24:12:12:1. Now please don't get confused. It is not 12, it is 1:2, but just a trick to remember, that is 12:24:12:12:1. Now this is how you studied about the genotypic ratio and the dihybrid cross. Now let's talk about the Mendel's work on inheritance of character. It remained unrecognized. Mendel ka jo work tha wo till 1900 wo unrecognized tha. Nobody recognized his work on inheritance of characters, and there were certain reasons responsible jo that kept on adding, and finally 1900 his work got recognized. Now let's see what was the reason why his work was not recognized, because in those days communication was not easy. तो उसके वर्क को पब्लिसिटी नहीं मिली, हिज वर्क कुड नॉट बी पब्लिसाइज्ड, एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स
एंड जो कॉन्सेप्ट मेंडेल ने इंट्रोड्यूस किया था ऑफ जीन्स एंड फैक्टर्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एलील्स व्हिच डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कलीग्स, इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कंटेम्पररीज. उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मेंडेल के कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलील्स को. नाउ मेंडेल वॉज यूजिंग मैथमेटिक्स to prove or explain a biological phenomena. Mendel maths use kar rahe the for explaining a biological phenomena and this was unacceptable for the biologists of that time. So उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उनके लिए वो सारी चीजें अनएक्सेप्टेबल थी. एंड मेंडेल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जीन, ऑल्दो ही गिव द कॉन्सेप्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जीन्स, ही कुड नॉट गिव एनी प्रूफ फॉर द फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द जीन्स कि वो किस चीज के बने हैं. एंड जीन्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेंडेल कुड नॉट प्रोवाइड. सो दीज वर द फोर रीजंस दैट हिज वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. देन फाइनली इन 1900 ह्यूगो डी व्रीस, कॉरेंस एंड वॉन शर्मक रीडिस्कवर्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. नाउ दीज थ्री, द नेम ऑफ दीज थ्री बायोलॉजिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन्होंने मेंडेल के वर्क को रीडिस्कवर किया था. ह्यूगो डी व्रीस, कॉरेंस एंड वॉन शर्मक, दे रीडिस्कवर्ड मेंडेल्स वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. एंड इसमें एक चीज ने हेल्प करी थी दैट बाय दैट टाइम देयर वाज क्वाइट एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी एंड इट हेल्प टू स्टडी द सेल डिविजन सो प्रॉपरली. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.